ये देखो दोस्तों, ये भून चुका है काफी अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दी। बात सुनी जा, बात सुनी जा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और सुबह को जी भोरे व आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या क्या होने वाला ब्लॉग में, लेकिन बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, अगर आप बने रहे तो भगवान की जैसे। टाइम हो चुका है टाइम तो ज़्यादा हो गया यार, 12 बजे। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो आज हमारे घर आ रखे हैं मोरी, ठीक है। अच्छा जो मोरी उससे बता दूँ, मक्की और ये देखो, ये हमारे पड़ोस में उन्होंने बो रखे परसों। मैं छत से दिखा रही थी जिस दिन कि ये मक्कियों के साथ बीन्स भी है बोई हुई, तो उन्होंने दिए हमें। तो बाकी कुछ पकाएंगे तब खाएंगे। सासू माँ ने चढ़ा दिए चूल्हे पे, तो मैं थोड़ा मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, वो मक्की पक चुकी है हमारी, उठ चुकी है मतलब। और आज मैं बनाऊँगी मसपणी। मसपणी और कई जगह चैसू बोलते हैं, मतलब काली दाल का जो बनता है। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है ना, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है हर चीज़ का। किसी का बोलने का स्टाइल, किसी का खाना बनाने का स्टाइल, किसी का खाने का स्टाइल, किसी का कुछ भी स्टाइल मतलब। तो फिर मैं बना के दिखाती हूँ जो मेरा स्टाइल है, ठीक है। चलो तो बनाते हैं खाना। जैसो दोस्तों, सबसे पहले ये अलमारी खुलती है हमारी, और यहाँ ढूंढती हूँ मैं किसमें होगी काली दाल, मेरे को कंफर्म नहीं है। मैं ढूंढ के तब मिलती हूँ आपको, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें तो मूंग है। तो इसमें है काली दाल, मैं निकाल देती हूँ, हो जाएगा ना, ज़्यादा हो गई थी बस। अब ठीक है, ये सासू माँ ने भात भी बना दिया और अब मिले झुंगे। मैंने उन्हें मना किया था खाना बनाने के लिए, मैंने कहा आप अपने लिए झुंगरू बना दो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा मिर्च से गीला हो जाता है। और भात मैंने कहा मैं खुद बना दूंगी, क्योंकि हम 1:30 बजे खाते हैं, अभी 12:30 बजे, तो आधा घंटे में मेरा खाना बन जाता है। तो उन्होंने बना के रख दिया अभी से। तो चलो मैं अपना काम कर दूँ, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले सिलबट्टा यानी कि सिलोट, यार ये खत्म देर करूँ, तो मैं इसके नीचे कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फिसलता है ना बिना कपड़े के, इस वजह से। तो ये जो दाल है मैं इसे थोड़ा पहले धो देती हूँ। तो दाल मैंने धो दी है और मैं पूरा इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मैंने पीसना है, तो इसे बाद में रखती हूँ। और ये है मिर्ची, ये मिर्ची भी रख दी मैंने। और वैसे हम खाने में ज़्यादा हरी मिर्ची यूज करते हैं, मुझे हरी मिर्ची का स्वाद अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा काट लेती हूँ तब पीसती हूँ। तो ये मैंने काट दिया, अब मैं इसे पीसना स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों इसमें मेरी मुखड़ी नहीं दिखाई देगी आपको, तो वो इग्नोर करना, ठीक है। जो मेन काम है ये सिलबट्टा, वो देखिए, ये जरा रुको, हम डग डग सा कर रहे हैं। तो मैं इसे पीसना स्टार्ट करूँ, तो फाइनली पीस चुका है। चलो देखते हैं कैसा पिसा। ये देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा पीस चुका है, और इसे एकदम बारीक नहीं करते, थोड़ा दरदरा रहने देना है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरे में, फिर देखते हैं क्या क्या हो पाता है आगे। इसमें निकालती हूँ ना दोस्तों, इसके लिए मैंने लहसुन भी ले लिया, मैं लहसुन छिल लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने लहसुन छील लिया है, अब मैं इसे बारीक बारीक काटूंगी और फिर दाल में डालूंगी। और ये गैस में मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें तेल रख दिया, तब तक गर्म होता है तब तक मैं टमाटर और लहसुन छील के रख दिए, वो काट लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने लहसुन और टमाटर काट के रख दिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ से निकालती हूँ ये जिसमें सब कुछ है, दिखाती हूँ दोस्तों ये। और मैं रखूँगी इसमें, इसे बोलते हैं जख्या, ये थोड़ा चाय पत्ती की तरह लगता है, ये देखो, ये पक जाए थोड़ा सा ठीक हो जाए तो मैं इसमें रख दूंगी फिर लहसुन। ठीक है, ये लहसुन रख दिया, इसके बाद थोड़ा लहसुन ब्राउन ब्राउन सा हो जाए उसके बाद इसमें
बताती हूँ। तो लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर, और टमाटर के ऊपर से डाल दूंगी नमक ताकि ये थोड़ा पक जाए अच्छे से। इसे पकाने के लिए नमक ऊपर से डाल देती हूँ। अभी जब तक थोड़ा पकता है मैं आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये जो जख्या बताया आपको काला काला बीज, तो ये हमारे पहाड़ में जिस साइड हम हैं उस साइड तो नहीं होता, लेकिन जो राई का सरसों का बीज होता है उसे हम यूज करते हैं खाने में ऐसे तुड़के के लिए, तो इसे डालते हैं। आप लोग देख लो आप लोग क्या यूज करते हो फिलहाल। और कई लोग टमाटर नहीं डालते, तो मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो चलो आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये टमाटर हो चुका है ठीक ठाक। अब इसमें मैं ये धनिया और थोड़ी सी हल्दी, ये हल्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं इसे कम ही डालती हूँ पहले, अगर कम हो तो मैं बाद में डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और फिलहाल के लिए कम ही ठीक है। और मिर्ची आप लोगों ने देखा होगा मैंने ग्रीन मिर्ची रखी है, तो मैं रेड वाली मिर्ची नहीं रखूँगी। अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीस के रखा है काली दाल, और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे ठीक है, इस टाइप से थोड़ा भून देंगे। मतलब ये देखो दोस्तों ये भून चुका है काफ़ी अच्छे से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, ये पानी मैंने इसलिए डाला ताकि ये जले ना। अब मैं इसके लिए थोड़ा बेसन निकाली हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ही है इसमें, तो थोड़ा सा बेसन का घोल बना के इसमें डालूंगी ताकि ये थोड़ा पानी पानी सा हो जाता ना, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा करने के लिए बेसन घोल के डालूंगी ठीक है। तो ये रहा बेसन, मैं तो इसमें एक चम्मच डालती हूँ बेसन, आप देखना आप कितना डालते हो, और इसे मिक्स करना है। तो मेरा ये घोल हो चुका है तैयार, और मैं इसमें डाल देती हूँ देखो। ये देखो अभी जो बर्तन दाल धुल के हो रखे इन्हें मैं पानी डाल के धोधा के उसमें डाल दूंगी ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें और पानी डाल दिया क्योंकि ये थोड़ा पकेगा, और गैस थोड़ा लो फ्लेम पे करके उसके बाद इसे पकने देना है थोड़ी देर तक, तब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ ठीक है। और फिलहाल तो हमारे गैस की हालत देखना, या अभी सासू माँ ने मक्की उजाई थी ना उसमें, तो ये उस वजह से सारा उसी का, अभी खाना बनने के बाद ही साफ होगा ठीक है। मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ यार, इसका तो बस ठीक है पकता रहेगा। बाकी मैंने तब तक सिलवट्टा धो के रख दिया, और इन्हें धो के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने बर्तन बर्तन धुल दिए, अब मैं ये जो मक्की पका रखी इन्हें खाती हूँ थोड़ी, तब तक आराम से बैठ के मैं इसे खाती हूँ मस्त। मुझे ना जो सारी सी नहीं होती पक्की सी मक्की वो नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ा जो कुंगली सी रहे वही अच्छी लगती है खाने में, नमक भी मिला रहेगा तो और बढ़िया होगी। अरे आप हो यार, नहीं इधर से झूठा किया इधर से, ओ मैं तो भूल गया आपने तो खा ही नहीं पाना, कोई बात नहीं, जो चीज़ आप खाते हो क्या पता वो मैं भी नहीं खाती हूँ जाना। तो मैं आपको मिलती हूँ जब मेरी दाल अच्छे से पक जाए, पूरी मक्की समाप्त, अब एक और खाती हूँ। तो दोस्तों दाल कुछ इस प्रकार की हो चुकी है, ये देखो अभी ये थोड़ा और पकेगा ठीक है, तब तक मैं एक मक्की और खा लेती हूँ जब तक ये पकता है। कोई कुंगली इस नहीं चाह रही, सारा सारा चीज तो यही खा लूँ, बहुत जिन्नी है यार ये। बहुत जिंजर। तो दोस्तों मेरा खानो बन चुका है कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है, सही बना या नहीं, मतलब नमक पानी
पहले आप ही कर लो, इतने घूर घूर के देख लो, नजर लगाओगे। वाह वाह, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो, पानी डाल दूंगा यार। मेरे बातों का बुरा मत माना करो, ठीक है? आप लोग मेरे फ्रेंड हो तो मैं कुछ बोल ही देती हूँ कभी कभी, है ना। मेरी बातों को दिल से मत लगाना, बस दिमाग से लगाना। जरा है चकुन का नू दाल कम तो नहीं मिली। वाह क्या स्वाद है ना। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ आज बड़ी को खाना देने, क्योंकि बड़ी के गुस्से ही जा रखे हैं घूमने, मतलब घर वाले मालिक, ठीक है? तो मैं देख आती हूँ, चलो बड़ी से भी मिलते हैं। ये रहा दगड़े वो बड़ी का भोजन। चल भाई बड़ी, तेरे लिए आ रही है खुशखबरी। पता चलो कटोरी फर पाचिन देगा। तो चलो मैं चलती हूँ, वो रहा बड़ी का घर और ये है बड़ी की कटोरी। यार पता धूप में मेरी आंखें देखना बिल्कुल ही नहीं खुलती, माँ कसम यार, सच में। आप लोग भी बोलते होंगे कि कैसी आंखें हैं ना। पता क्या, अब देखना मैं गेट खोलूंगी ना इसका, कैसे आएगा गेट पे, अभी देखना। ये देख बड़ी, वो देखना दिख रहा, छोड़ दो बड़ी, वो देखना। चल खोलती हूँ, देखना खोलती हूँ, एकदम से झपाटा मारेंगे तो मेरे पे। रुक अबे बड़ी, तू पागल थे निशाई? अबे अभी मैं इससे नमस्ते नमस्ते सब कुछ करवा लूंगी, करेगा ये देखना। नमस्ते नमस्ते कर, नमस्ते कर। रुक बड़े, रुक जमीन ध्यान, ये नहीं तो डॉक्टर मैं इसे पढ़ने जा, ये देखना मेरा भाई इंशो हंडो ना, खाच तिल की ढोल ना वेर इन साल का यार साल, एक ही मिनट में दूसरा मिनट भी नहीं लगा। मैं चलती हूँ, अबे तू अंदर ही रह, चल तिल क्या करना बैर, थोड़ा हगने में उतने जा रहा होगा, चल जा चल फटाफट जा, जल्दी जल्दी घूम, जल्दी जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा दूर नहीं जा, मेरे पास नहीं तैयार पैसे दौड़ू, डर भी नहीं मानता है, प्रॉब्लम ही है। चल भीतर चल, बोलियो मान, चल भीतर चल, बाय, बैठ जा तो आराम से सेज। तो मैं मीनू और के घर से, मतलब बड़ी और के घर से एक ये ले आई थी, आप मीनू को नहीं जानते होंगे। तो बड़ी ने तो कुछ बोलना था नहीं मुझे कि क्यों ले जा रहे, क्योंकि मैं उसे खाना दे के आई थी। तो फिर मैंने लगा दिए, थोड़ा हमारे इसमें भी फूल हो जाएंगे, उनके यहाँ पे बहुत सुंदर फूल हो रखे थे, तो मैं एक ले आई तोड़ के। आंटी वीडियो में देखेगी, बोलेगी एक चोरा। लो पानी डाल दूंगी थोड़ा, हो जाएगा हमारे घर पे भी थोड़ा फूल फल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा फाणो भात। आप लोग सोचते होंगे कि पीले ये चावल पीले क्यों रहते, तो ये पीले इसलिए रहते हैं कि जैसे मतलब सासू माँ पहले चावल खाती थी तो हम उनके लिए रखते थे, शुगर की वजह से थोड़ा हल्दी रखते थे, और अब हमें वही आदत पड़ गई तो हम चावल में हल्दी रखते ही रखते हैं, बस यही, बाकी मेन कारण कुछ नहीं। तो सासू माँ खा रहे हैं खाना, तो सासू माँ बताएंगे कि कैसा बना है फाणू, उन्होंने अपने लिए बनाया झूरू, तो उन्हें चखनी, तो तब देखते हैं कैसे बनाया है। पहले अच्छा आग तलिया सुधी तारीफ कर दे रहे, देख लो सही बात है, कैसे कुंगली। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:15, ये पागल के काम देखेगा। तो शाम के 6:15 बज चुके हैं और ये पता नहीं किससे मांग के ला रही, चोरी करेगी, ले ले हाँ देखा काजू गढ़वाली बोल दी, अब आगे लेने गोरी आ रही। नहीं ये फिल्टर नहीं है, कभी कभी मैं बोलती हूँ ना कि कैमरे की वजह से गोरा सा आता है फेस, तो फिर कितना बज गया, 6:30 टाइम हो गया, और हम लोगों ने चाय चुई पी ली, सासू माँ और बाहर घूम रहे, मैं भैया के साथ बात कर रही थी, और काजू पता नहीं कहाँ से मुंगरी चुरा के ला लिया, आजकल हम रोज मुंगरी मुंगरी खा रहे। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कुछ बोलना चाहिए, लव यू, व्लॉग को लाइक करें शेयर करें, और मैं भी बोल देती हूँ आप लोगों का पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सारे जहां में फैला दीजिए। जो दोस्त नहीं भी है, दुश्मन है, उसे भी फैला दीजिए, उसको भी शेयर कीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मिलूँगी आपको कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हेलो 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 माइक टेस्टिंग या आता बाय बाय। कुछ गाना गा दे एक जरा मेरे दबड़े में अपने फैंस के लिए। कौन सा तेरी खुद माँ सुन ले दगड़िया, बात सुनी जा तू मेरी हृदय में नोच तेरो आँखों में अनुहार तेरी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें सुना। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।